गाजियाबाद विजयनगर के नगर निगम के सफाई कर्मियों में जहां पर 26 नंबर वार्ड में सुनील यादव के विरुद्ध जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी की सफाई कर्मियों का आरोप है कि पार्षद सुनील यादव सफाई कर्मियों के साथ अभद्र भाषा और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, साथ साथ महिला सफाई कर्मियों की भी गाली गलौज के अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। वहीं सफाई कर्मियों ने यह आरोप लगाया कि 24 मई को उनके सुपरवाइजर की हाजिर रजिस्टर छीनकर सभी कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर्ज करा दी और पूरे महीने का वेतन भी नहीं दिया। इसी बात को लेकर गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने पार्षद के विरुद्ध विजयनगर थाने के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए विजयनगर थाने में पार्षद के खिलाफ ही लिखित तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की। प्राइम लीग न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट, अमरपाल, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश चौहान वाल्मीकि है और मैं उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ का प्रांतीय महामंत्री हूँ। आज अपने थाने पे, विजयनगर थाने पे धरना प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? हमारा जो है मेन मामला, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वार्ड संख्या 26 के, वहाँ के पार्षद हैं सुनील यादव जी, उनके द्वारा कई दिनों से लगातार महिला सफाई कर्मचारियों के साथ में और पुरुष सफाई कर्मचारी साथ में बदभक्की जा रही थी और कल अंत हो गया जब सफाई नायक बाबू से जबरदस्ती गरेवान पकड़ करके उसका मस्टोल छीनकर सारे कर्मचारियों की ये देखिए नाकामी गई है पार्षद द्वारा, जबकि पार्षद का कोई अधिकार नहीं है। कोरोना काल में ये सफाई कर्मचारी हमारे अपनी जी जान को दाव पे लगाकर मेहनत कर रहे हैं और वो इनकी पेट की रोटी छीन रहा है, बदतमीजी कर रहा है। ऐसे पार्षद के खिलाफ हम लोग FIR करने आए हैं, उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करने आए हैं, उसके जाति सूचक भंगी कहकर के हम लोगों को वो कर सूचित किया है, उसके खिलाफ SC Act में मुकदमा कायम करवाने आए हैं। वरना उसके क्षेत्र में काम जब तक नहीं होगा जब तक हमारे अधिकारी और पुलिस प्रशासन हमारी FIR नहीं कर लेता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। क्या नाम है आपका? राहुल चौहान वाल्मीकि, मैं सफाई कर्मचारियों का नेता हूँ, गाजियाबाद से जिलाध्यक्ष हूँ। और जैसे ही मुझे सूचना मिली कि मेरे कर्मचारियों के साथ इतना अत्याचार किया गया है, मेरी माता बहनों के साथ गाली गलौज की गई है सुनील यादव द्वारा वार्ड नंबर 26 से, ये बिल्कुल भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट से ईंट भजा देंगे, चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। हमने थाने को अवगत करा दिया है, अपने अधिकारियों को अवगत करा दिया है और पूरे जिले का, पूरे गाजियाबाद का काम ठप कर देंगे जब तक इनका वेतन सबका नहीं बनेगा। पूरे महीने का इनका वेतन काट दिया गया है, इनके बच्चे क्या खाएंगे, ये लोग क्या खाएंगे, इतनी महामारी चल रही है, लोग बाग अपने घरों में हैं, उसको भी नापरवाह करके अपने मेरे कर्मचारी सड़क पे झाड़ू लगा रहे हैं, नाले गंदगी साफ कर रहे हैं, क्या ये इंसान नहीं है? क्या इनको अधिकार नहीं है? लेकिन इनका अनन किया जा रहा है इनके अधिकारों का, मान्य नगर निगम द्वारा और यहाँ के पार्षदों द्वारा, ये बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आपने इनके खिलाफ कोई तहरीर दी है? हमने इनके खिलाफ तहरीर दी है, सुनील यादव के खिलाफ FIR कराई है और जल्द से जल्द अगर हमारी मांगों को, अगर हमारे इनका वेतन नहीं बढ़ाया गया तो सब व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। गाजियाबाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।